इट्स रेसलिंग टाइम। हेलो गाइस, माय नेम इज पूनम चंदन, यो वॉचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया बैकलैश में होने वाले एक टाइटल मैच के बारे में जो कि हो चुका है चेंज। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते WWE ने एक मैच अनाउंस किया था जिसमें ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन टी बार और मैच का सामना करने वाले थे। इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमन ने टी बार और मैच दोनों से अकेले ही लड़ने की इच्छा जताते हैं, इससे उनकी बहस ड्रू मैकइंटायर से हो जाती है। इस मैच में टी बार और मैच ब्रॉन स्ट्रोमन पर हमला कर देते हैं जिससे ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। बाद में ड्रू मैकइंटायर आकर ब्रॉन स्ट्रोमन को बचाते हैं। बाद में एक टैग टीम मैच हुआ लेकिन इस मैच में मैच और टी बार काउंटडाउन के जरिए जीत जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ड्रू मैकइंटायर को पावर स्लैम दे देते हैं। बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर एडम पियर्स से ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच की मांग करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन बैक स्टेज एडम पियर्स के पास जाते हैं और कहते हैं अगर उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया तो उन्हें WWE चैंपियनशिप का मैच मिलना चाहिए, और इस पर एडम पियर्स हां कर देते हैं। मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर का मैच होता है जिसमें MVP और बॉबी लेसली की इंटरफेरेंस की वजह से ड्रू मैकइंटायर जीत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैच और टी बार की वजह से ड्रू मैकइंटायर का ध्यान भटक जाता है और ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीत जाते हैं। यानी कि अब रेसलमेनिया बैकलैश में ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेज ड्रू मैकइंटायर वर्सेज बॉबी लेसली का एक ट्रिपल थर्ड मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। गाइस वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।